टीम ने बनाया स्पेशल प्लान, जोरदार वापसी कर मारेंगे मैदान। कप्तान बाबर आजम का बड़ा दावा, श्रीलंका को किया धूल चटाने का वादा। भारत जीता और पाकिस्तान ने की बिरयानी पार्टी। पाक के हौसले बढ़े, श्रीलंका की आस टूटी। कुदरत का निजाम इस बार काम आ गया। ये कुदरत का ही निजाम था कि सबसे पहले बारिश नहीं हुई, मैच भी पूरा हुआ और एक रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को पटखली दी। हालांकि इस मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक भी नहीं कह सकते, क्योंकि टीम इंडिया ने लंकाई टीम को 41 रनों से पटखली दी। लेकिन एक वक्त वो भी था जब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम रन चेस कर सकती है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए श्रीलंका को धूल चटाई और एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ले। लेकिन इस जीत से अगर कोई टीम सबसे ज्यादा खुश है तो वो है पाकिस्तान टीम। पाकिस्तानी फैंस की दुआएं काम आई, श्रीलंका के हार से पाकिस्तान को एक संजीवनी जरूर मिल गई। अगर इस मुकाबले में कहीं श्रीलंका भारत को मात दे देता तो पाकिस्तानी टीम का एशिया कप में सफर लगभग खत्म ही हो गया था समझो। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का भारत के हाथों बड़े अंतर से हार। इस वजह से पाकिस्तानी टीम का रन रेट काफी बदतर हो गया था। वहीं अगर श्रीलंकाई टीम भारत को हराने के बाद पाकिस्तान से हार भी जाती तब भी वो फाइनल में पहुंच जाती। लेकिन टीम इंडिया से हार के बाद पाकिस्तानी आवाम और टीम के चेहरे खिल गए। उन्हें अब फाइनल में पहुंचने का रास्ता जो मिल गया, बस ये ज़रूरत है कि श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान अपने अगले सुपर फोर मुकाबले में हरा दे। ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमों के लिए नॉकआउट मैच साबित होगा। यहाँ जो भी टीम जीतेगी उसकी एशिया कप के फाइनल में टिकट कटेगी और जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। जबकि श्रीलंका हार चुका है तो पाकिस्तान टीम और उसके फैंस खुश होंगे। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस तो भारत की जीत की दुआ भी करते नजर आए थे। अब हम बात करते हैं पाक कप्तान बाबर आजम और पीसीबी के उस खास प्लान की, जिससे भारत से शर्मनाक हार के बाद ग्रीन आर्मी अब जबरदस्त वापसी कर सकती है। पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ एशिया कप में मिली 228 रन से करारी हार से उभरने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खिलाड़ियों को हार के सदमे से बाहर निकालने के लिए खास प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ कोलंबो में डिनर किया। अशरफ ने खिलाड़ियों को हिदायत दी कि उन्हें भारत के खिलाफ मिली हार को भुलाकर बाकी बचे मैचों पर ध्यान देना चाहिए। पीसीबी चीफ ने अपने खिलाड़ियों में पूरा भरोसा जताया। पीसीबी चीफ ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा, ये सुनिए। हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एशिया कप जीतने की प्रतिभा है, भविष्य में भी हमारी टीम बड़े टूर्नामेंट जीत सकती है। वहीं पाक कप्तान बाबर आजम का ध्यान भी टूर्नामेंट जीतने पर है। बाबर ने कहा, हम एशिया कप को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, हम बाकी मैचों में जीत दर्ज करके वापसी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ भारत को मिली जीत के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट में बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को फाइनल में जगह बनाने के हर हाल में श्रीलंका को हराना होगा। दुनिया भर के फैंस भी यही दुआ कर रहे हैं कि इस बार एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो। गौरतलब है कि एशिया कप के इतिहास में भी कभी भी दोनों ही टीमों के बीच फाइनल में आमना सामना नहीं हुआ। ऐसे में अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो ये पहला ही मौका होगा और फैंस का रोमांच बेशक चरम पर होगा। एशिया कप में फाइनल में कौन पहुंचेगा, श्रीलंका या पाकिस्तान, भारत के साथ किसकी होगी भिड़ंत, आप अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।